नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में, जानेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके बारे में, और आप लोगों को बताएंगे बिग बुल के बारे में, और जानेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि ओटी बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के बारे में, जानेंगे कि ये कब रिलीज हो रही है और कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इन तीनों फिल्मों के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे, और साथ ही साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग बुल मूवी की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिग बुल मूवी की 2021 में रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज इस फिल्म को 54वां दिन है। दोस्तों आप लोगों को पता चले बिग बुल मूवी का क्रेज बहुत ही ज़्यादा जोरदार तरीके से देखा गया, ऑडियंसों ने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, इस फिल्म को रेटिंग भी बहुत ही अच्छा मिली। दोस्तों आप लोगों को बता दें 3 to 5 की इस फिल्म को रेटिंग मिली। वो दोस्तों आप लोगों को बताते चले बिग बुल मूवी जो कि 1992 के ऊपर एक स्कैम के ऊपर आधारित है, जो कि शेयर मार्केट में घोटाले के ऊपर बताया गया है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले बिग बुल मूवी में आप लोगों को अभिषेक बच्चन जोरदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर, यानी कि डायलॉग और एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं इलियाना डिक्यूज भी इनका साथ दे रही है दोस्तों, जो कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से फिल्म को दिखाया गया है और बताया गया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म ने अभी तक 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। बिग बुल मूवी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर। तो अगर आप लोगों ने बिग बुल मूवी देखी तो आप लोगों को बिग बुल मूवी कैसी लगी यहाँ पे, हाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो चलो दोस्तों दूसरी तरफ रुख करते हैं और बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के बारे में। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि अक्षय कुमार की बेल बॉटम जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया था, और इस फिल्म में जो इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दोस्तों बहुत ही जोरदार तरीके से अक्षय कुमार को दिखाया गया था, और अक्षय कुमार उस टीजर में वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार ने बेल बॉटम के पेंट भी पहने हुए हैं। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही लाजवाब होने वाली, बहुत ही जोरदार होने वाली, क्योंकि अक्षय कुमार के कई सारे पोस्टर रिवील कर दिए गए हैं, जिसके कारण ये फिल्म का बस और भी ज़्यादा तरीके से बना हुआ है, बहुत ही जोरदार तरीके से बना हुआ है। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म को लगता है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे नहीं दिखाया जाएगा, आप लोगों को एमएक्स प्लेयर पे इस फिल्म को दिखाया जाएगा सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एमएक्स प्लेयर ने इस फिल्म को खरीद लिया है, अब देखना यह है कि यह एमएक्स प्लेयर पे कब रिलीज होती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एमएक्स प्लेयर पर रिलीज की जाएगी ये, अगर थिएटर खुल गए तो एमएक्स प्लेयर पर ना रिलीज करके इसे थिएटरों में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये फिल्म एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो कि यह फिल्म को थिएटर में देखना पसंद करेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी फिल्म सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में, आप लोगों को बताते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि राधे फिल्म जो कि 2021 की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है ओटीटी बॉक्स ऑफिस की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसने अपने कुछ ही पलों में ही ओटीटी बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे व्यू के मामले में, और दोस्तों आप लोगों को बता दें कमाई के मामले में भी इस फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री ली, और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर मिला के 105 करोड़ रुपए का कारोबार किया, और सब सब हिटरों की बोलती बंद कर दी। वहीं दोस्तों इस फिल्म का क्रेज़ अभी भी बना हुआ, यह फिल्म अभी भी चल रही है, इस फिल्म को आज 19वां दिन है, और ये फिल्म आज 19वें दिन भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इस फिल्म के दूसरे हफ्ते की बात करें दोस्तों, आप लोग बता दें कि दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, और इसी के साथ अभी तक इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज ये फिल्म अपने 19वें दिन अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी दिखा रही है और अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों अगर आप लोगों ने राधे मूवी देखी तो आप लोगों को राधे मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले अपनी राय, और साथ ही साथ अगर आप लोग सलमान खान, अक्षय कुमार और दोस्तों अभिषेक बच्चन के डाई हार्ट फैन है तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस न्यूज़ की और अपकमिंग मूवियों की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।